पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कुंदरकी विधानसभा 29 के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने अपनी विधानसभा में 16,000 गरीब और निर्धन परिवारों को चिन्हित कर ईद का तोहफा दिया। इस दौरान विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि अपनी विधानसभा में प्रत्येक गांव में उन गरीब और असहाय लोगों को चिन्हित किया गया जिनके राशन कार्ड पूर्व में कट चुके हैं या जिनके राशन कार्ड ही नहीं है। ऐसे परिवारों को ईद की खुशी में शामिल होने के लिए कुंदरकी विधानसभा 29 के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने अपनी विधानसभा में 16,000 गरीब और निर्धन परिवारों को चिन्हित कर ईद का तोहफा दिया। इस दौरान विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि अपनी विधानसभा में प्रत्येक गांव में उन गरीब और असहाय लोगों को चिन्हित किया गया जिनके राशन कार्ड में कोई अंतर नहीं है, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल खोखले वायदे किए हैं जो केवल हवा हवाई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता को केवल झूठे वादों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बचाव के लिए अपनी जान पर खेलकर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उनके द्वारा सीएमओ मुरादाबाद को 2,10,000 सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। कहा कि जो सरकार ने विधायक निधि रोकी है, अगर उस निधि को उसी विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर दिया जाता तो शायद कोई गरीब भूखा न सोता। और ये ईद का जो है हमने स्पेशल तोहफा, ये हमारा ये पहली किस्त ईद की जा रही है और दूसरी किस्त जो 3 दिन बाद जाएगी। इतनी किस्त जा रही है, ये 4,000 पैकेट है, ये 4,000 पैकेट दूसरी किस्त का परसों जाएगा, परसों भी आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और मुंडा पांडे ब्लॉक हमने 100% कर दिया है। हमारा विधानसभा का जितने भी गांव हैं हमने किसी गरीब को भूखा नहीं छोड़ने दिया। उन लोगों को जो लाचार मजबूर गरीब बेसहारा जिनका ना राशन कार्ड था, ना किसी तरह की पेंशन मिलती थी, ना किसी तरह का जॉब कार्ड था, ना किसी तरह का मनरेगा में नाम था, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया और चुना। हमारे साथी तमाम गांव-गांव फैल के उन्होंने पूरा जो है ये पूरा एक गांव में जा कर के और हम लोगों ने पूरा उसका सर्वे करके कि कोई गरीब इसमें न छूट जाए। लेकिन प्राथमिकता यही थी कि राशन कार्ड से वंचित को हम मदद कर सकें, क्योंकि इस सरकार में जितनी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है वो कोई अछूता नहीं है। इस लॉकडाउन से पहले कितने कार्ड काट दिए गए, मैं पूरा प्रमाण दे सकता हूँ उनका, हर गांव के कार्ड काट दिए गए। उसके बाद में जिन लोगों के कार्ड नगर में बन गए, ऑनलाइन कराए उन लोगों ने, और लेकिन उसके बाद भी एक छटांग राशन होने जो है वो नहीं दिया जा रहा, ये मैं बिल्कुल 100% दावे से कह सकता हूँ। देखिए सरकार है, रोके ठोके कुछ भी करे, सरकार को जहनी थी वो, हम लोगों से कोई राय तो ली नहीं। अगर हम लोगों से राय ली होती तो हम सीधा कहते कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो 3 करोड़ रुपये आप हमारा विधायक विकास निधि का ले रहे हैं, उस 3 करोड़ को अगर हमारे क्षेत्र में खर्च कर देते तो ये चकाचौंध हो जाता, कोई गरीब भूखा नहीं सोता, कोई सैनिटाइजर से खाली नहीं रहता, कोई मास्क से खाली नहीं रहता, कोई क्या नाम है कोई डॉक्टर किट से खाली नहीं रहता। 3 करोड़ बहुत होता है विधानसभा के लिए। हम लोगों ने ऐसे हालात में जबकि तनख्वाह भी 30% कटी है, निधि भी कट क्या नाम विकास विधायक निधि भी हमारी, और उसके साथ साथ जो है 2,10,000 रुपया हमारा हमारे खाते में था विधायक विकास निधि में, वो हमने सैनिटाइजर और मास्क के लिए दिए, तो हमने 2,10,000 रुपया, वो दावा करता रहे कोई विधायक दावा करता रहे कि मैंने ये दिया मैंने दिया, अगर देने का 2,10,000 काम किया है तो अकेले सिर्फ मैंने किया, किसी का कोई पैसा नहीं, घोषणाएं भले ही करते रहे लोग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।